सो गुड इवनिंग गाइस, इस वक्त हम आए हैं सूर्य कुंड में। अभी हम दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। पार्क है ये एक तरह से। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है इस वक्त तो। भगवान प्रभु राम जी का जन्म रामायण में लिखा हुआ है। बालकांड में मार्च दिवस का दिवस है, वो मर्म ने जाना कोई रवि समेत रथ को निशा कौन मिले। भगवान राम जी के जन्म उत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्रिसूर्य ऐसे आइए सिखाए, त्रिसूर्य भगवान का रथ रहा था। त्रिसूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता से प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। त्रिसूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्म उत्सव में खुश होकर के एक महीने तपस्या किया, क्योंकि भगवान राम जी के जन्म उत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं थी। राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देवो वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नयूर धारे। संसार के जितने देवता थे सभी राम जी का जन्म उत्सव देखने को आए थे। देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ सरजू जी का जलदूत के समान निर्मल उज्ज्वल धारा बहने लगती है। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सभी संत और असंत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है, इसलिए सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, एक महीने के शुद्धिकरण हो जाए। हिंदू में जो राज का नाम रखा जाता है किसी को नहीं मालूम, 1 मार्च को 1 दिन हुआ। श्री अयोध्या के महाराजा दर्शन ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए सरकार, तभी आनंद लेगा। खुदाई सूरज कुंड का, हाँ सूर्य कुंड है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया। मुख्य रूप से श्री अयोध्या 14 कोस की मानी जाती है। 42 किलोमीटर में मुख्य अयोध्या है। श्री अयोध्या में 307 मंदिर पाए। सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वेदी बनाई। 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इस कुंड में डाला गया। इसका महात्म जो भी यात्री बनाते हैं, त्रि सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्रि सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। आप लोग सरकार, और ये है सूरज कुंड का मंदिर। ये सूरज कुंड का मंदिर। ये मूर्ति है सूरज कुंड के अंदर सूरज भगवान की। बहुत ही सुंदर पार्क है। अब ये एग्जिट गेट है, इससे हम बाहर आ रहे हैं। सो गाइस, ये सूरज कुंड में सूरज कुंड है और सूरज भगवान का मंदिर है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये कुछ नहीं है।